अस्सलाम जिसमिल फ्रेंड्स वेलकम इन किंग सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ोंग फोर जी बोल्ट प्लस डिवाइस के बारे में जिसका मॉडल एम एफ़ पच्चीस है तो फ्रेंड्स अगर आपके पास एम एफ डिवाइस है जो कि डेड हो चुकी है या फिर चलते चलते डेड हो चुकी है या फिर आपने उस पर अनलॉक कर रहे थे या कोई ऐसी फ़ाइल यूज़ कर रहे थे जो उसे मैच नहीं हुई और आपकी डिवाइस जो है वो डेड बूट में चली गई है तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी जोंग बोल्ट प्लस फोर डिवाइस को एम एफ मॉडल को किस तरीके से डेड बूट में से रिकवर कर सकते हैं तो फ्रेंड फर्स्ट ऑफ तो ऑल आपने करना यह है कि ये देखिए जैसे कि मेरे पास ये डिवाइस है ठीक है जोंग एम एफ़ पच्चीस डिवाइस है ठीक है तो ये इस वक्त डैड बोर्ड में है ठीक है तो ये देखें इसमें बैटरी भी डली हुई है ये ऑन भी नहीं होती ठीक है पीसी के साथ हम इसे डिटेक्ट करते हैं या लैपटॉप के साथ हम डिटेक्ट करते हैं तो इसकी नाइन डबल ज़ीरो ई की पोर्ट शो होती है या फिर नाइन डबल जीरो एट की पोर्ड शो पोर्ट शो होती है ठीक है तो आपने सिम्पली करना यह है कि आपने इसकी जो बैटरी है वो भी आपने निकाले हैं ठीक है तो फ्रेंड्स बैटरी निकालने के बाद आपको ये देखिए यहाँ पे एस कार्ड के स्लाट के साथ आपको यहाँ पे इसके दो पॉइंट मिल रहे हैं ये देखिए मैं आपको ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे आपको ये दो पॉइंट मिलते हैं इन पॉइंट को आपने किसी भी लोहे वाली चीज़ की मदद मतलब से आपने शॉर्ट करना है किस, किस तरह से करना है वो मैं आपको ये तरीका बता देता हूँ ये देखें ये इस तरीके से आपने शॉर्ट करना है दोनों पॉइंट्स को ये देखिए आपने दोनों पॉइंट को शॉर्ट किए रखना है इस तरह से आपने दोनों पॉइंट को शार्ट किए रखना है इस लोहे वाले चीज़ के चीज़ की मदद मतलब से ठीक है और आपने डाटा केबल जो है वो आपने यहाँ पे लगा देनी है डाटा केबल स्लॉट में ठीक है तो दोनों पॉइंट को शार्ट किए रखना है और डाटा केबल स्लॉट लगाना है ठीक है नाइन डबल जीरो एट की पोर्ट जब शो हो जाएगी पीसी में तब आप इसे डेड बूट में से रिक, रिकवर कर सकेंगे तो फ्रेंड्स मैं आपको ले चलता हूँ डेस्कटॉप स्क्रीन पे और हम इसका जो डेड बूट रिपेयर का है तरीका है वो मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ आपने किस तरीके से इसका डेड बूट रिपेयर कर सकते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को आपने कम्प्लीट वॉच करना है और एंड तक आपने वीडियो लास्ट में देखनी है ठीक है फ्रेंड्स तो चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर लेट्स को जी तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे और सिंपली आपने करना यह है कि आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है वहाँ पे आपको फाइल्स के दो लिंक मिल जाएंगे डेट रिकवरी फाइल का लिंक मिल जाएगा और इसके अलावा आपको जोंग एम एफ पच्चीस की फ्लैश फाइल का लिंक मिल जाएगा तो ये दोनों फाइल्स आपने कर लेनी है डाउनलोड डाउनलोड करने के बाद आपने इन्हें कर लेना एक्सट्रैक्ट जब आप इन्हें एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इन पर पासवर्ड लगा होगा तो पासवर्ड भी आपको इन फाइल्स में ही मिल जाएगा तो फ्रेंड्स मैं जल्दी से फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ तो फ्रेंड्स ये वीडियो जो है ये वीडियो फेक नहीं है आप ये फाइल्स आपको फ्री में मिलेंगे ठीक है आप डाउनलोड कर लेंगे और आपके पास जितने भी डिवाइसेस हैं जो कि डेड हैं आप इन पे ज़रूर ट्राई करें और आपके जो डिवाइसेस हैं ये हंड्रेड परसेंट रिकवर हो जाएंगे ठीक है तो फाइल्स ये देखें दोनों जो हैं एक, एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं ठीक है अब आपने सिंपली करना यही है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया आपने डिवाइस को है दोनों पॉइंट जो हैं डिवाइस के दोनों पॉइंट शार्ट करके किसी भी लोहे वाली चीज़ से शार्ट करने हैं और डाटा केबल लगा देने हैं ठीक है तो फ्रेंड उसके लिए आपने सिंपली करना यह है कि आपने यहाँ माई कंप्यूटर में जाएंगे राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी में चले जाएंगे और यहाँ पर डिवाइस मैनेजर पर क्लिक कर देंगे ठीक है तो इसका डिवाइस मैनेजर का जो पेज है ये आपने ओपन रखना है इसके बाद आपने यहाँ पे जो ये पोर्स कॉम एंड एल पी टी का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है ठीक है अब आपने करना यह है कि आपने दोनों पॉइंट को शार्ट किए रखना है और डाटा केबल लगा देना है ठीक है आपके पी सी में क्वेलकम के ड्राइवर और एंड्रॉड ड्राइवर जो है वो सही तरीके से इंस्टॉल होने चाहिए अगर आप सही तरीके से इंस्टॉल नहीं कर सकते या आपको तरीका नहीं आता इंस्टॉल करने का तो आपको यहाँ पर आई का बटन मिल रहा है आई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी वीडियो को वाच करके आप ड्राइवर भी सही तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं तो फ्रेंड्स मैं जल्दी से इसके पॉइंट शार्ट करके इसे कोलकम मोड में लगा देता हूँ ठीक है तो फ्रेंड्स ये देखें डिवाइस को क्वेलकम मोड में लगा दिया है और इसने पोर्ट जो है कॉम फोर शो करा दिया है नाइन डबल जीरो एट पोर् ठीक है अगर आपके पास यहाँ पे नाइन डबल जीरो एट नहीं आता नाइन डबल जीरो ई आता है तो आपने दोबारा से ट्राई कर लेनी है जब नाइन डबल जीरो एट आएगी ठीक है तब हम इस पर डेड रिकवरी फाइल जो है वो हम इस पर राइट कर सकेंगे ठीक है तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो किंग सोफेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया करें इस तरह के हर आने वाले ले वीडियो की नोटिफिकेशन जानने के लिए तो फ्रेंड्स ये डेड डेडबुट रिकॉर्ड जो फाइल हमने एक्सट्रैक्ट की थी ठीक है इसे ओपन कर लेना इसमें दोबारा से आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी पासवर्ड जो है वो आपको यहाँ पे टेक्स्ट पेज भी मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ से मैं डेड बुट रिकवरी फाइल जो है वो मैं इस यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे डेड बूट रिकवरी जो है ये फाइल जो है ये भी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है ठीक है तो आपने इसे ओपन कर लेना है ओपन करेंगे तो नाइन डबल जीरो रिकवरी ये इस तरह की फाइल होगी ठीक है तो आप इसे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो है इंटर पासवर्ड रिक्वायर्ड पासवर्ड का ऑप्शन भी आएगा ठीक है ये पासवर्ड भी आपको फाइल में ही मिल जाएगा ठीक है तो मैं जल्दी से यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर देता हूँ पासवर्ड टाइप करने के बाद आपने ओके कर देना ओके करेंगे तो यहाँ पे पोर्ट का नंबर मांगे गए फाइल के आपकी जो कलकम की पोर्ट है वो कौन सी है तो ये यह देखिए यहाँ पे कॉम फोर रही है मतलब चार जो आपके पी आपके लैपटॉप में जो शो हो रही होगी वो आपने यहाँ पे टाइप करनी है ठीक है मेरे पास चार रही है तो मैं यहाँ पे फोर टाइप करके की की मदद मतलब से इंटर वाला बटन प्रेस कर देंगे ठीक है तो फ्रेंड ये जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो फाइल है ये वाली ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी जैसे कि ये देखिए आपके सामने ये क्लोज हो चुकी है ठीक है तो जब ये फाइल क्लोज हो जाएगी तो आपने इस पेज को जो है ये कैंसिल कर देना ठीक है अब आपने डाटा केबल जो है आपने डिवाइस में से निकाल लेनी है तो मैं डिवाइस में से डाटा केबल निकाल लेता हूँ ठीक है डाटा केबल निकालने के बाद पाँच से चार से पाँच सेकंड के बाद आपने दोबारा से डाटा केबल लगा देने तो फ्रेंड्स मैंने डाटा केबल जो है मैंने निकाल ली थी ठीक है अब मैं दोबारा से डाटा केबल लगा देता हूँ ठीक है तो फ्रेंड्स ये देखिए जब आपकी डिवाइस जो है डेड बोर्ड से रिकवर हो जाएगी तो यहाँ पे आप जब दोबारा से डाटा केबल लगाएंगे तो यहाँ पे एंड्रॉड फ़ोन की जो है यहाँ पे पोर्ट शो कर देगी ठीक है देखिए एंड्रॉड बुलर इंटरफेस की पोर्ट यहाँ पे शो हो चुकी है ठीक है अब आपने सिंपली करना ये है कि हमारी जो डिवाइस है वो डेड बोर्ड से तो क्लियर हो चुकी है रिपेयर हो चुकी है ठीक है अब आपने इसकी फ्लैश करनी है फ्लैश फायर से ठीक है उसके लिए आपने इसे दोबारा से क्वेलकम मोड में लेके जाना है दोनों से दोबारा पॉइंट को शार्ट कर किए रखना है दोबारा से आपने दोनों पॉइंट्स को शार्ट किए रखना है और आपने इसे नाइन डबल जीरो एट पोर्ट में ले जाना है ठीक है तो मैं जल्दी से इसे दोबारा से नाइन डबल जीरो एट पोर्ट में लगा देता हूँ तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने दोबारा से डिवाइस को क्वेलकम मोड में लगा दिए है देखें आप भी इसने कॉम फोर शो कराइए क्योंकि जब आप एक ही स्लॉट में उसे डिवाइस की डाटा केबल को डिटेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कॉम पोर्ट जो है वही शो हो होगी ठीक है तो ये देखिए कि यहाँ पे कॉम फोर शो हो रही है ठीक है अब आपने सिंपली करना ये है कि डिवाइस जो हमारे डेडबोर्ड से जो तो रिकवर हो चुके है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे एंड्रॉड फ़ोन की पोर्ट शो करा देगी ठीक है फोन की पोर्ट शो करा देगी ठीक है तो उसके बाद आपने सिंपली करना ये कि जोंग वाले जो हमने फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट की थी ठीक है आपने उसे ओपन कर लेना है ठीक है ओपन करेंगे तो यहाँ पे जोंग पच्चीस लिखा हुआ फाइल पे ठीक है आपने इसे ओपन कर लेना है यहाँ पे इंटर पासवर्ड का रिक्वायर्ड uh, पासवर्ड का ऑप्शन आएगा ठीक है तो आपने यहाँ पे पासवर्ड भी टाइप कर देना ठीक है तो मैं जल्दी से यहाँ से पासवर्ड टाइप कर देता हूँ तो फ्रेंड पासवर्ड टाइप करने के बाद आप यहाँ पे इंटर करेंगे ठीक है सॉरी पासवर्ड गलत टाइप हो गया दोबारा से मैं टाइप कर देता हूँ तो फ्रेंड्स ये देखिए पासवर्ड टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे पोर्ट का ऑप्शन मांगेगा ठीक है फाइल तो यहाँ से क्लोज़ कर दे दें इस फाइल को ये देखिए यहाँ पे फाइल ओपन हो चुकी है ठीक है ये देखिए पोर्ट नंबर जो यहाँ पे फोर शो हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर फोर टाइप कर दें ठीक है फोर टाइप करने के बाद आपने इंटर करना है इंटर करने के तो प्रेस एंटी की टू कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा ठीक है ठीके. उसके बाद आपने दोबारा से इंटर कर देना है ठीक है तो ये फाइल जो है ये आटोमेटिकली यहाँ पर राइट होना स्टार्ट हो जाएगी ठीक है डिवाइस जो हमारी है वो पहले से भी ही डेड बूट से रिकवर हो चुकी है लेकिन अब जो है हम उसकी फ्लैशिंग कर रहे हैं वो फ्लैश हो रही है डिवाइस ठीक है तो फ्रेंड ये फ़ाइल थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू का ठीक है फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अगर कोई परेशानी हो तो ठीक है इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दिया जाएगा तो फ्रेंड्स ये देखिए फाइल जो है ये राइट हो रही है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगी फाइल राइट होने में तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे प्रेस यानी की टू कंटिन्यू का ऑप्शन आ चुका है ठीक है तो आपने सिंपली करना चाहिए है कि आपने यहाँ पे दोबारा से इंटर वाला बटन प्रेस कर देना है ठीक है उसके बाद यहाँ पे दोबारा से ऑप्शन है कि प्रेस यानी की टू कंटिन्यू का दोबारा से आपने इंटर का बटन प्रेस करना है ठीक है तो यहाँ पे वेटिंग फॉर एनी डिवाइस का ऑप्शन आ चुका है ठीक है अब आपने करना चाहिए कि आपने बैटरी डाटा केबल निकाले डिवाइस में से ठीक है और अब आपने इसमें बैटरी डाल देनी है बैटरी डालने के बाद आपने इसका डब्ल्यू पी एस वाला बटन साइड वाला और पावर बटन दोनों को इकट्ठा बटन प्रेस किए रखना है तीन से चार सेकेंड के लिए जब इसकी लाइट जो है पावर वाली वो ब्लू कलर की हो जाएगी तब आपने इसके साथ डाटा केबल अटैच कर देना ठीक है तो मैं फ्रेंड मैं ऐसे फास्ट बूट में लगा देता हूँ डिवाइस को तो फ्रेंड मैंने डिवाइस को जो है फास्ट बूट में लगा दिया है और डिवाइस भी ऑन हो तो चुकी है ठीक है फ़ास्ट बूट में तो फ्रेंड मैं इसके साथ डाटा केबल डिटेक्ट कर देता हूँ जब आप इसके साथ डाटा केबल डिटेक्ट करेंगे तो फौरन इसकी जो फ़ाइल है वो स्टार्ट फौरन हो जाएगी तो फ्रेंड ये देखिए मैंने जैसे डाटा केबल डिटेक्ट किया है तो इसकी फाइल जो है वो राइट होना स्टार्ट हो चुकी है थोड़ा सा टाइम लेगी फाइल राइट होने में उसके बाद डिवाइस जो है वो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगी ऑन हो जाएगी आपकी डिवाइस तो फ्रेंड्स ये देंगे यहाँ पे फिनिश्ड टोटल टाइम और इट्स डन यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है फाइल जो है वो कंप्लीटली राइट हो चुकी है ठीक है यहाँ पे ऑप्शन भी है प्रेस एनिक यहाँ पे आप कोई बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो यहाँ जो, जो, जो फाइल है ये यहाँ से चली जाएगी ठीक है यहाँ से पोर्ट्स वगैरह जो हैं ये भी यहाँ से जा चुके हैं ठीक है अब आप डिवाइस को तो डाटा केबल से निकाली ऑन हो चुकी है ठीक है अब आपने दोबारा से डिवाइस को जो है ना इसकी बैटरी निकाल लेनी है बैटरी निकालने के बाद थोड़ी देर बाद आपने दोबारा से इसे ऑन कर लेना है डिवाइस को ठीक है तो फ्रेंड डिवाइस जो है ये ऑन हो चुकी है ठीक है दोबारा से मैंने इसे बैटरी निकाल के दोबारा से ऑन किया था अब मैं डाटा केबल लगाता हूँ डिवाइस के साथ ठीक है फ्रेंड्स ये देखिए जब ये सही तरीके से ऑन हो जाएगी ठीक है तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पे जोंग 4G का जो है यहाँ पे लोगो आ जाएगा माई कंप्यूटर में ठीक है उसे आप डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे तो फ्रेंड्स ये देखें ये जो डिवाइस है एम एफ पच्चीस ये सक्सेसफुली जो है ये डेड बूट से रिपेयर हो चुकी है इस वक्त ठीक है तो यहाँ पे ये इंस्टॉल होने के बाद जो इसका एडमिन पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा ठीक है ये देखें यहाँ पे एडमिन पेज ओपन हो जाएगा मैं आपको एज ए प्रूफ दिखा रहा हूँ आगे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ ठीक है उस पर आपने लाजमी गौर करना है तो फ्रेंड्स ये देखें यहाँ पे इसका जो है एडमिन पेज यहाँ पे ये ओपन हो चुका है ठीक है ये देखिए यहाँ पे इसका एडमिन पेज ओपन हो चुका है इसमें सिम वगैरह जो है वो मैंने कोई भी नहीं डाले हुई ठीक हुई ठीक है तो इस पर आपने सिंपली करना ये है कि आप इसकी सेटिंग में आपको जाके मैं दिखा देता हूँ ठीक है एडमिन एडमिन पासवर्ड ठीक है एडमिट पासवर्ड टाइप करने के बाद सिस्टम पे जाएंगे ठीक है यहाँ पे डिवाइस इन्फॉमेसन में क्लिक करेंगे तो जब ये डेड डेटबोर्स रिकवर हो जाएगी और इस पर फाइल भी राइट हो जाएगी तो इसकी आई एम ये नंबर जो है वो यहाँ पे ज़ीरो जीरो हो जाएगा ठीक है अगर अगर आप इसे दोबारा से भी इसको अनलॉक करते हैं तो फिर भी ये अभी नो सर्विस पर रहेगी ठीक है क्योंकि मैं इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको डिवाइस को जो है डेड बूट से रिकवर करने का मैंने आपको तरीका बताया ठीक है ये अभी नो सर्विस पर रहेगी ठीक है तो अगर आप इनशाला अगली मेरी वीडियो नेक्स्ट वीडियो मैं इसकी जल्दी बनाऊँगा कमिंग सून में है वो वीडियो इन आपको नो सर्विस फिक्स करने का तरीका भी मैं आपको कम्प्लीट बताऊँगा तो आप स्टे विथ कनेक्टेड किंग सॉफ्टवेयर से जुड़े रहें ठीक है तो इन बहुत ही जल्द कमिंग सून इसकी वीडियो भी आने वाली है ठीक है तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस तरीके से अपने डिवाइसेस को डेड बोर्ड से रिकवर कर सकेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी ठीक है अपनी राय से मुझे ज़रूर आगा कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंगाफिज़